बेमेतरा जिला कराटे संघ के तत्वाधान में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन हुआ। बेमेतरा जिला मुख्यालय के समीप दुर्ग रोड कंतेली में स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में सेको काई कराटे इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ की ओर से कराटे बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ कराटे के टेक्निकल हेड और मुख्य एग्जामिनर रेंसी बीबी नायडू पहुंचे, जहां सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों का बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में बेमेतरा, रायपुर और बिलासपुर के कुल 80 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें पास होने के बाद अगले ग्रेडिंग के लिए बच्चे तैयारी करेंगे। बता दें कि बेमेतरा जिला में अजय वर्मा जिला से कराटे संघ सेक्रेटरी के द्वारा 6 वर्षों से संस्थान की ओर से आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें जिला मुख्यालय के स्कूली बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में नाम रोशन करना चाहते हैं। हम लोग अपने आप को सुरक्षा करना सीखते हैं, अपने आप को बचाना सीखते हैं, साथ ही फिजिकल फिटनेस के लिए भी कराटे जरूरी है। फिजिकल पूरा एक्टिविटी हो जाता है, तो कराटे बहुत ही अच्छा वो है गेम, इस तरह से देखा जाए तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और कराटे में हम बहुत आगे तक अपने देश का, अपने राज्य का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं क्या बोलते हैं, स्टेट लेवल तक गई हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं राष्ट्रीय तक खेलूँ, अपने देश का नाम लेके जाऊँ। आपके गांव वाले बच्चियाँ भी हैं आज यहाँ पर, बेल्ट एग्जाम है, परीक्षा शहर बाहर से आए हैं, दुर्ग से हमारे सर गंगा नायू है, दुर्ग से हैं जनता सर, देवराज जनता सर, बिलासपुर की टीम आई है, रायपुर की टीम आई है, लगभग 80 बच्चे हैं। यहाँ क्या क्या ट्रेनिंग किया जा रहा है? पंच की फाइट का टेक्निक और नेशनल इंटरनेशनल नेशनल तक के तो बच्चे गए हैं। ग्रेडिंग के बाद इनको कहाँ और मौका मिलेगा? आगे स्टेट है, दूसरा नेशनल है, इंटरनेशनल है, नेशनल है। बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें इस बेल्ट टेस्ट में मेन मतलब हमारा उद्देश्य रहता है इनका स्टैमिना और इनका टेक्निक्स, ये दोनों को हम सुधार के अगर जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम बेल्ट और सर्टिफिकेट दे के आगे अपग्रेड किया जाता है। इनमें से जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं इनको हम कोचेस को बताते हैं और हम भी आकर नया टेक्निक्स इनको बताते हैं, ताकि ये लोग जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता में, फिर जिला में जीत कर राज्य स्तरीय जीत कर और नेशनल में भाग लें और अपना अपना ज़िले का और प्रदेश का नाम रोशन करें। ये सब देखने के लिए हमको मतलब किया गया, वहाँ एसोसिएशन से भेजा गया और हम आके यहाँ एग्ज़ाम वगैरह ले लिया। अभी कितने बच्चे शामिल हुए सर? यहाँ लगभग 80 बच्चे अभी पार्टिसिपेट किए सर, इसमें से अभी हम देख रहे हैं 20-25 बच्चे तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एक 3 अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं, तो हम उनको अलग करके फिर ज़िले के जिनके कोच हैं उनको बताया जाएगा, उनको और आप एक्स्ट्रा टाइम देके एक्स्ट्रा कोचिंग देने से ये बच्चे आगे बढ़ के अपना